नमस्कार दोस्तों, आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब है हम इतने सारे शब्दों को एक शब्द में कैसे कहेंगे। वही हमारा अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द कहलाता है। जैसे अब है जल में रहने वाला, इस वाक्य में हम एक शब्द में इसे कैसे परिवर्तित करेंगे। जलचर, हमें यहाँ ये भी पता चल जाता है कि जलचर शब्द का अर्थ क्या है, जल में रहने वाला। दूसरा है जिसमें बहुत खतरा हो। अब इस वाक्य जिसमें बहुत खतरा हो को हम एक शब्द में परिवर्तित करके क्या लिखेंगे, खतरनाक। इसमें हमें खतरनाक का अर्थ भी मालूम हो जाता है। तीसरा है जो मन को मोह ले, जो हमारे मन को बहुत अच्छा लगे, इसे हम एक शब्द में कैसे बदल कर लिखेंगे, हम लिखेंगे मनमोहक। यहाँ पे हमें मनमोहक का अर्थ भी ज्ञात हो जाता है कि मनमोहक का अर्थ है जो मन को मोह ले, मनमोहक। मिठाई बनाने वाला, हलवाई। अब यहाँ पे हलवाई का अर्थ हमें ज्ञात हो रहा है मिठाई बनाने वाला। हमने मिठाई बनाने वाले को एक शब्द में लिख दिया है, हलवाई। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। ग्रामीण का अर्थ क्या होता है, जो व्यक्ति गांव में रहता है। अब है साथ पढ़ने वाला, जो आपके साथ पढ़ता है उसे हम कहते हैं सहपाठी। सहपाठी क्या क्या अर्थ है, साथ पढ़ने वाला। और साथ पढ़ने वाले को हमने एक वाक्य को हमने एक शब्द में कैसे लिखा, सहपाठी। जो किसी से ना डरता हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी से ना डरता हो वो है निडर। निडर का अर्थ क्या है, ऐसा व्यक्ति जो किसी से ना डरता हो। आठवां है कम भोजन करने वाला। इस वाक्य को हम एक शब्द में परिवर्तित करके क्या लिखेंगे, हाँ जी अल्पहारी। इससे हमें अल्पहारी शब्द का भी अर्थ ज्ञात होता है। तो अल्पहारी शब्द का अर्थ है कम भोजन करने वाला। नौवा, आदर देने योग्य, आदरणीय। आदरणीय का क्या अर्थ है, आदर देने योग्य। दसवा, फल सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। फल सब्जी खाने वाले को हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। और शाकाहारी का क्या अर्थ है, फल सब्जी खाने वाला। धन्यवाद मित्रों।